वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चश्मा वापस आ चुका है कि जो पिछली वीडियो में हुआ था वो आप सबको पता ही होगा, गलत चीज़ें होंगी तो मैंने कहा चश्मे के बिना नहीं जब बात बनेगी, तो हम वापस आ चुके हैं इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक क्या है? इस वीडियो का टॉपिक है, हमने जो पिछली वीडियो में बोला था स्पॉटीफाई के बारे में हम बात करेंगे। वही स्पॉटीफाई जिसकी एड्स ने आपका जीना हराम कर रखा है। ऐसा लगता है कि एड्स में गाना सुन रहे हैं हम। बंदा ऐसा बोलता है कि यार स्पॉटीफाई में अच्छा वाला एड सुन रहा था, उसके बाद एक गाना आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्पॉटीफाई के बारे में मैं एक सिंपल बात बता देता हूँ जिनको नहीं पता। स्पॉटीफाई एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर आप गाने सुन सकते हैं, जैसे और भी बहुत हैं, वेक म्यूज़िक, गाना डॉट कॉम एंड जियो सावन, जो पॉपुलर नेम्स हैं। स्पॉटीफाई अभी कुछ टाइम पहले से ज़्यादा, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, एक वक्त था जब जियो सावन एंड गाना डॉट कॉम पर सबसे ज़्यादा यूज़र्स होते थे एक दिन में, बट अभी ये स्पॉटीफाई पे होते हैं। स्पॉटीफाई नंबर वन हो चुका है एक टाइम पे, मतलब म्यूज़िक ऐप्स में, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्स में वो नंबर वन हो चुका है उस चीज़ में कि एक वक्त पे, मतलब एक आप एक दिन में लोग कितने लोग विज़िट करते हैं स्पॉटीफाई और कितने लोग गाने सुनते हैं उस पर। आई थिंक उस पर स्पॉटीफाई टॉप पे है इस वक्त, पहले और ऐप्स थी अब वो है। बट यूज़र मतलब कितने डाउनलोड्स हुए हैं इनके गूगल और एप्पल iOS पे, तो उसमें तो अभी स्टिल जियो सावन टॉप पे है एंड सेकंड पे गाना डॉट कॉम है। अगर मैं रॉन्ग हूँ इस इन्फॉर्मेशन में तो आई एम रियली सॉरी टू यू गाइस। स्पॉटीफाई वैसे तो काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसके इतिहास की बात करें 2008 या 2008 में स्वीडन में लॉन्च हुआ था स्पॉटीफाई, एंड उस वक्त से मतलब वर्ल्ड मार्केट में तो फिर भी काफ़ी बड़ी उन्हें रेपुटेशन बना कर रखी है स्पॉटीफाई ने। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया में बहुत जल्दी लोग कॉप अप कर गए उसके, मतलब म्यूज़िक ऐप्स, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप के साथ, और लोग बहुत जल्दी मतलब उसको यूज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि पहले से उसका ग्लोबल मार्केट था, इंडिया में नहीं था उसका मार्केट। इंडिया में एक वक्त था, अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, मतलब जब मैंने वेक म्यूज़िक डिलीट किया, उसको डिलीट करने की एक वजह थी क्योंकि उसने डाउनलोडिंग के लिए मेंबरशिप कर दी थी, क्यों कर दी थी पहले वे नहीं था, पहले सब लोग मोस्ट ऑफ गाइस जो मेरे दोस्त थे तो वेक म्यूज़िक को यूज़ करते थे। वैसे तो ऐसी ज़्यादा साइट्स थी, वैसे इनलीगल है जो म्यूज़िक आपको डाउनलोड करने देती थी, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, स्टिल शायद रन करती है। मैंने अभी कभी भी कोई गाना डाउनलोड किया नहीं, कोई भी नया गाना आता था आप वहाँ पर इसे डाउनलोड करते थे। और गाना डॉट कॉम भी एक काफ़ी मशहूर थी, जियो सावन ने तो आते ही एक वक्त तो मतलब 2019 तो उसका ही था, पर स्पॉटीफाई 2019 में इंडिया में अपनी पकड़ जमाना शुरू किया। इंटरनेट एरा था, इंटरनेट एरा में अपना उन्होंने पैर पसारा जब इंडिया में इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका 2019 तक, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया बहुत अच्छे से। क्यों ज़्यादा पॉपुलर है? एक इंटरफेस, बहुत सिंपल इंटरफेस है इसका, एंड गाने मतलब अगर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, मतलब कि चलो गाने सुनते हैं, एक टाइम था जब हम टीवी पे गाने सुनते थे, हमें नहीं पता होता था, इंडिया में ये बहुत होता है, एक टाइम जब हम टीवी पे देखते थे कि चलो कौन सा बढ़िया गाना आ रहा है वो सुनते हैं। स्पॉटीफाई उसी चीज़ को आगे बढ़ाता है प्लेलिस्ट के हिसाब से, जो गाना आपने रिसेंट सुना था उसके हिसाब से आपको और गाने की रिकमेंडेशन देगा, एक प्लेलिस्ट देगा। आपने प्लेलिस्ट सुनी, शायद आपको उसमें 50% गाने नहीं भी पसंद, तो 50% तो पसंद है, इस पर आप ज़्यादा टाइम बताओगे वैसे ही गाने फिर आपको ला के देगा, ऐसे ऐसे आप कॉप अप कर जाओगे ऐप के साथ और ऐप को आप रोज़ यूज़ करना शुरू कर दोगे और गाने सुनना शुरू कर जाओगे। एंड ये चीज़ स्पॉटीफाई ने बहुत अच्छी की, मार्केटिंग, और ये मैं एक और बात दूँ, रीजन मार्केटिंग, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कोई एक सिंगर मशहूर हो। हाँ, अगर आप कह सकते अरिजीत सिंह सबसे ज़्यादा मशहूर है इंडिया में, आई थिंक सब लोग जानते हैं, बट एक चीज़ आप मतलब भूल रहे हो कि लोग इंडिया में लोग ज़्यादा हिंदी गानों को सुनते हैं मूवीज़ की वजह से, बट म्यूज़िक सुनते हैं रीजन म्यूज़िक। रीजन म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, हर एक स्टेट का अपना म्यूज़िक है, अपनी लैंग्वेज है, और उस हिसाब से अपना लैंग्वेज में सॉन्ग्स लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप खुद ही सोचो, अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा सॉन्ग पसंद करोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज है,
सही में अपनी लैंग्वेज से आपका इमोशनल वाला अटैचमेंट है और बहुत चीज़ें आपको अपने मतलब हर एक बिल्कुल 100% आपको गाना समझ आता है एंड बढ़िया लगता है गाना अपनी लैंग्वेज में। मैं अपने खुद को इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं पंजाबी गानों को ज़्यादा प्रेफर करूँगा किसी भी गाने के ऊपर। हाँ गाने बहुत बढ़िया, मुझे बहुत म्यूज़िक सुनता हूँ मैं, बट अगर मुझे ऑप्शन मिले तो ये चीज़ उन्होंने कॉप अप कर ली। हर एक रीजन आर्टिस्ट किसी ना किसी प्रकार से पार्टनरशिप में है स्पॉटिफाई के साथ। और उन्होंने एक चीज़ और बात की कि जो छोटे सिंगर्स थे, जैसे मैंने एक ध्रुव सिंगर है, वो आई थिंक इंग्लिश सॉन्ग्स उनके आते हैं, अगर उनका आपने गाना सुना होगा डबल टेक तो आपको जानते होंगे। उनको उन्होंने स्पॉटिफाई ने अपनी ऐप पे मतलब उनका गाना ट्रेंडिंग कर गया था, उनके ऊपर एक रील बनाई उन्होंने इंस्टाग्राम पे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली, उन आर्टिस्ट के बारे में पता किया। उन आर्टिस्ट मतलब मुझे पता है उस आर्टिस्ट के बारे में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ देख के। और जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनके साथ कॉपअप और कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से स्पॉटिफाई करता है, उनके गानों को रिकमेंड करता है। और एक और चीज़ है स्पॉटिफाई पे, इंडी म्यूज़िक जिनको पसंद है वो तो मतलब वहीं होंगे, वो कहीं आपको नहीं मिलेंगे इंडी म्यूज़िक। और एक और चीज़ है उसमें, अगर आपको नहीं पता, लूफी बीट्स जो मोस्टली पॉपुलर है यूट्यूब पे, अगर आपको आप स्टडी करते हैं डेली तो आपको लूफी आप यूज़ करते होंगे, लूफी बीट्स आप सुनते होंगे, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह के से मतलब आपको रिकमेंडेशन आएगी और आपको बढ़िया से बढ़िया ऐसी दुनिया सुनाई जाएंगी कि आप मतलब खुश हो जाओगे। स्टडी में नंबर पूरे के पूरे, आपा बोलो इस बार बुलेट चाहिए, इतने नंबर ला रहा है आपका लड़का, एक जोक था। एंड स्पॉटिफाई की मैं बात करूँ अगर, तो मार्केटिंग एंड इंटरफेस हर एक चीज़ पे उन्होंने बीट कर दिया, एंड धीरे धीरे वो लोगों के साथ कॉप अप कर रहे हैं कि लोग उसका प्रीमियम भी ले रहे हैं। बट इंडिया में ये चीज़ बहुत मुश्किल है। खुद सीईओ ने, और सीईओ क्या उन्होंने उनके किसी ऑफिशियल ने कहा था कि इंडिया वालों से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है, ये सच बात है। एंड अभी तक वो नाकामयाब रहे, 99% लोगों ने इंडिया में नहीं लिया है। एंड ऐसी पर वो दिमाग से खेल रहे हैं, शायद फ्यूचर में जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने किया ना, कि हमको क्या होगा ना, जब भी हम कोई भी मतलब कोई भी किसी भी सिम के साथ, किसी भी आप इंटरनेट किसी के साथ वो कोलैबोरेशन कर लेंगे, जैसे जियो के साथ कोलैबोरेशन करके उसके साथ एक मतलब फ्री दे देंगे अपना स्पॉटिफाई प्रीमियम, कि अपने सिम के साथ अटैच कर लो इसको, आपको फ्री मिल जाएगा 2 महीने के लिए, 3 महीने, 1 साल के लिए भी दे देंगे, कोई बात नहीं। और धीरे धीरे से वो मतलब चीज़ों को मतलब ऐसे करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है। जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बहुत अच्छे तरीके से किया, एक आई थिंक वो नेटफ्लिक्स के बराबर ही खड़ा है इस वक्त, तो जैसे उन्होंने मतलब इस पर भी वीडियो बन सकती है, कैसे उन्होंने VIP अब प्रीमियम को लेने की आपको ज़रूरत नहीं, VIP में कर दिया, प्रीमियम अभी भी है और बेनिफिट बढ़ा दिए VIP में कि लोग ज़्यादा खरीदें उसको। शुरुआत VIP भी नहीं कोई उनका खरीदता था एक वक्त पे, अब सब लेते हैं। मैच देखना IPL का, ऐसे बिजनेस गेम्स एंड स्पॉटिफाई तो पहले से ही बहुत अच्छे हैं अपनी मार्केटिंग, अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में, और मुझे लगता है कि प्रीमियम भी हमसे वो लेके जा सकता है, बट मुश्किल बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ आसान नहीं है। एंड सबसे ज़्यादा वैसे ही म्यूज़िक इंडिया में या क्या वर्ल्ड में यूट्यूब पे सुनते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर हर एक प्रकार का म्यूज़िक मिल जाएगा, हर एक कवर मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आपको उसका 50% भी कहीं मिल नहीं सकता। यूट्यूब म्यूज़िक पे भी आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, उस पर भी नहीं कोई लेता। अमेज़ॉन म्यूज़िक लॉन्च किया है, उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि अमेज़ॉन कंपनी इतनी बड़ी है, एप्पल म्यूज़िक तो पॉपुलर है ही आया उस पर, बट स्पॉटिफाई फिर भी हर एक जगह मशहूर है। एंड 2019 और 2021 में एक वक्त था आई थिंक हम वेक में इस पर गाने सुनते थे, चैटर्जी कैसे अपने चेंज की और कैसे इंडिया में आकर कॉप अप कर गया, ये वो काबिले तारीफ़ है। एंड इस केस पे मतलब इतनी बात करूँ उतनी कम है, पिछली वीडियो आपको मतलब मुझे लगता है इतनी बढ़िया नहीं लगी होगी, बट कोई बात नहीं, हम वही वीडियो को रिक्रिएट करेंगे और अच्छे तरीके के साथ 5-6 वीडियो के बाद, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये स्पॉटिफाई के ऊपर वीडियो थी। एंड एड्स किसी को भी नहीं पसंद, मुझे खुद नहीं पसंद, ऐसा लगता है कि एड्स में गाना सुनता हूँ, बट कुछ भी बात करो यार, वो ऐप ने जो किया है शायद बहुत मुश्किल है। बे होप फॉर रहिएगा, इस वीडियो बड़ी बन चुकी है तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। एंड
खुश रहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। बी होपफुल, बाय गाइस।